हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विवेक अवस्थी व्लॉग्स। दोस्तों, आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे दुनिया के सबसे बड़े एंटीना आरसीबो रडार के बारे में। दोस्तों, व्लॉग शुरू करें उसके पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नए नए व्लॉग्स के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों, व्लॉग पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और अपने कमेंट्स भी शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं व्लॉग दुनिया के सबसे बड़े एंटीना आरसीबो रडार के बारे में। दोस्तों, दुनिया भर के वैज्ञानिक परेशान हैं कि अब धरती की तरफ अंतरिक्ष से आने वाले खतरों की जानकारी कौन देगा। ऐसे खतरों की जानकारी देने वाला दुनिया का सबसे बड़ा एंटीना टूट गया है। यह एंटीना जिन लोहे के केबलों से जुड़ा है वो भी टूट रहे हैं। अब इस एंटीना की रिपेयरिंग की जाएगी। इस एंटीना के ऊपर जेम्स बॉन्ड सीरीज की मूवी गोल्डन आई की भी शूटिंग हुई थी। आइए जानते हैं इस ताकतवर एंटीना के बारे में। यह एंटीना अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाले खतरों जैसे एस्टेरॉयड, मेटियोर्स आदि की जानकारी दुनिया भर के वैज्ञानिकों को देता है। यह एंटीना लगा है आरसीबो ऑब्जर्वेटरी प्यूर्टो रिको में। इसका संचालन एनाजी मेंडेज यूनिवर्सिटी, नेशनल साइंस फाउंडेशन और यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा मिलकर करते हैं। इस ऑब्जर्वेटरी में 1007 फीट इंच व्यास का एक बड़ा गोलाकार एंटीना है जो सुदूर अंतरिक्ष में होने वाली गतिविधियों को पकड़ता है। इसका मुख्य काम धरती की तरफ आ रही खगोलीय वस्तुओं के बारे में जानकारी देना है। 1007 फीट व्यास वाले एंटीना में 40,000 एल्यूमिनियम के पैनल्स लगे हैं जो सिग्नल रिसीव करने में मदद करते हैं। इस एंटीना को आरसीबो रडार कहते हैं। आरसीबो ऑब्जर्वेटरी को बनाने का आइडिया कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विलियम ई गार्डन को आया था। इस ऑब्जर्वेटरी को बनने में 3 साल लगे। इसका निर्माण कार्य 1960 में शुरू हुआ था जो 1963 में पूरा हुआ। इस एंटीना के बीचों बीच एक रिफ्लेक्टर है जो ब्रिज के जरिए लटका हुआ है। यहां ऐसे दो रिफ्लेक्टर्स हैं, पहला 365 फीट की ऊंचाई पर और दूसरा 265 फीट की ऊंचाई पर। सभी रिफ्लेक्टर्स को 3 ऊंचे और मजबूत कॉन्क्रीट से बने टावर से बांधा गया है। बांधने के लिए 3.25 इंच मोटे स्टील के तारों का उपयोग किया गया है। आरसीबो रडार यानी एंटीना कुल 20 एकड़ क्षेत्रफल में फैला है। इसकी गहराई 167 फीट है। इस ऑब्जर्वेटरी में जेम्स बॉन्ड सीरीज की मशहूर फिल्म गोल्डन आई का क्लाइमैक्स सीन फिल्माया गया था। इस फिल्म में पियर्स ब्रॉसनन जेम्स बॉन्ड का किरदार निभा रहे थे। इसके अलावा इस ऑब्जर्वेटरी में कई फिल्में, वेब सीरीज और डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं। इसके अलावा जोडी फॉस्टर की फिल्म कॉन्टैक्ट की शूटिंग भी यहीं हुई थी। इस ऑब्जर्वेटरी में जो केबल टूटे हैं उन पर 5.44 लाख किलोग्राम वजन था। इसकी वजह से एंटीना के 100 फीट के हिस्से में छेद हो गया। एल्यूमिनियम से बने एंटीना का बड़ा हिस्सा टूटकर जमीन पर गिर चुका है। इस एंटीना की मदद से दुनिया भर के करीब 250 साइंटिस्ट अंतरिक्ष पर नजर रखते हैं। ये जगह पर्यटकों के बीच में भी काफी प्रसिद्ध है। यहां पर हर साल करीब 1 लाख पर्यटक आते हैं ताकि वो इस एंटीना को देख सके और यहां पर किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी हासिल कर सके। इस एंटीना को जब बनाया गया था तब इसका मकसद रक्षा प्रणाली को मजबूत करना था। इसके जरिए प्यूर्टो रिको एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को मजबूत करना चाहता था। बाद में इसका उपयोग वैज्ञानिक कार्यों के लिए किया जाने लगा। इस एंटीना ने सिर्फ अंतरिक्ष से आने वाले खतरों की ही जानकारी नहीं दी है बल्कि आसपास के देशों को कई प्राकृतिक आपदाओं की सूचनाएं भी मुहैया कराई हैं। इस एंटीना ने पिछले 50 सालों में कई चक्रवातों, भूकंपों और हरिकेन्स की जानकारियां भी दी हैं। अब साइंटिस्ट परेशान हैं कि करीब 900 टन का यह ढांचा कुछ ही केबल्स पर टिका है, इसे तत्काल रिपेयरिंग की जरूरत है। साइंटिस्ट ने टूट फूट का आकलन किया तो पता चला कि करीब 90 करोड़ का नुकसान हो चुका है। अगले महीने तक नए केबल्स आने की उम्मीद है। ऑब्जर्वेटरी के प्रमुख ने नेशनल साइंस फाउंडेशन से मरम्मत के लिए हुए नुकसान की रकम की मांग की है। ऑब्जर्वेटरी के साइंटिस्ट और कर्मचारियों को एंटीना के नीचे और ढांचे के आसपास जाने से मना कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये थी इन्फॉर्मेशन दुनिया के सबसे बड़े एंटीना आरसीबो रडार के बारे में। अगले व्लॉग में नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मिलेंगे। मेरी फिर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।